एक 19 साल की लड़की जिसने किया कुछ ऐसा काम जिस काम के आप बारे में आप जानोगे ना, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों एक 19 साल की लड़की जिसने अपने ही कुत्ते के साथ कुछ ऐसा काम कर दिया जिस काम के बारे में आप पूरा जानोगे ना, पूरा सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी रूह तो कांपेगी, आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। पहले तो आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा नहीं हो सकता, एक 19 साल की लड़की ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों जब आप कहानी को पूरा सुनोगे ना तब आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, यार ऐसा हुआ है। ठीक है, हम कोई फेक न्यूज़ नहीं दे रहे, ऐसा हुआ है। एक 19 साल की लड़की थी जो अपने माँ बाप के एक लौती बेटी थी, यानी उसका कोई भाई नहीं था, और उसके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी अमीर थे, यानी अमीर फैमिली से थे। जो लड़की वो मांगती थी, जो लड़की की इच्छा होती थी ना, वही चीज़ उसे मिल जाती थी। अब दोस्तों जब लड़की को जो मांगेगी जो इच्छा मिलेगी, सीधी सी बात है, आप एक बात हमेशा जानते हैं, अगर जिस लड़की को जो मांगेगा, लड़का लगा लो या लड़की, जो मांगेगा और उसे वही मिलेगा ना, तो भाई उसे कभी भी कमीता की फील नहीं होगी, वो हमेशा गलत रास्ते पर ही जाएगा। 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिन लोगों को जो चीज़ ज़रूरत होती है वो टाइम से मिल जाती है ना भाई, वो सीधी सी बात है वो जो लोग हैं ना गलत रास्ते पर ही जाएंगे। तो इस तरीके से ही जो लड़की थी जिसका नाम अंजलि होता है, अब दोस्तों अंजलि की भी सारी इच्छाएँ पूरी होती थी, जो मांगती थी ना जो ही उसे मिल जाता था। एक दिन क्या है, अंजलि अपने घर से थोड़ा बाहर ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ। उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम रूपाली था, ठीक है, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ एक बाहर ऐसे ही घूमने के लिए जाती है, तो उसे क्या होता है रास्ते में एक प्यारा सा कुत्ता दिख जाता है दोस्तों, एक प्यारा सा कुत्ता, छोटा सा कुत्ता, लेकिन वो बड़ा ही क्यूट था। जब वो कुत्ता उसे देखता है तो वो कुत्ता उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब दोस्तों जब वो कुत्ता उसे पसंद आ जाता है तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये कुत्ता मुझे चाहिए किसी भी हालत में। तो जो उसकी फ्रेंड होती है कि वो कहती है कि यार ये पैसे तो बहुत ज़्यादा पैसों का होगा और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तो जो अंजलि होती है वो कहती है कि कोई ना, तू पैसे की टेंशन मत ले, मैं पापा से बात करती हूँ और पापा अभी पैसे डाल देंगे। तो अंजलि ने वहीं खड़े होकर अपने पापा के पास फ़ोन किया और कहा कि पापा एक कुत्ता है यहाँ पर, छोटा सा कुत्ता है, बड़ा ही प्यारा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, मुझे एक कुत्ता चाहिए। अब पहले तो उसके पापा ने मना किया कि बेटा कुत्ते का क्या करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें खा ले अगर तेरा मन कर रहा है तो, कुछ ऐसी चीज़ें पहन ले, कपड़े ले ले और कुछ ले ले। लेकिन अंजलि ने जिद कर ली कि चाहिए तो मुझे चाहिए, तो एक कुत्ता ही चाहिए। तो अपने अब आप सभी को मैंने बताया ना कि जो अंजलि होती थी उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, कितने पैसे खाए? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मालिक से बात करती हूँ। तो उसकी सहेली ने और उसने एक मालिक से बात की उस कुत्ते के से, तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता मैं 9,000 रुपये में दूंगा। वो कुत्ता छोटा सा था, मतलब ज़्यादा दिन का भी नहीं था, तो 9,000 की उन्होंने कहा। तो अंजलि ने कहा कि पापा 9,000 रुपये की कह रहा है। तो उसके पापा ने उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है, 10,000 रुपये डाले। तो पहले तो अंजलि ने कुत्ता 9,000 में ख़रीद लिया और अपने उस बेल से ही पकड़कर 1,000 रुपये उसके पास बच्चे, वैसे तो उसके पास पैसे भी पैसे की कमी नहीं थी लेकिन बताया। फिर उसके लिए अंजलि ने कहा, अंजलि की जो फ्रेंड थी रूपाली, उसने कहा कि यार कुत्ते की पार्टी तो बनती है। फिर वो ऐसे ही दुकान पर चली गई कुछ खाना वाना चीज़ खाने के लिए, और खाना खाकर वो अपने घर पर आ जाती है। जब उसकी माँ उस कुत्ते को उस लड़की के साथ देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें यही काम है, ये कुत्ते का करेगी क्या? तो उसकी माँ से कहते हैं कि माँ कुछ नहीं, देख कितना सा प्यारा है, छोटा सा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं खरीद कर ले आई। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा ये काम रहेगा तेरा, कुत्ते ही पालेगी तू। इस तरीके से कहकर उसकी माँ ने भी उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जो अंजलि है वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उस कुत्ते को बहुत ही लाड़ प्यार से रखती है। और जब वो लाड़ प्यार से रखती है तो धीरे धीरे जो अंजलि है धीरे दिन गुजरने लगते हैं, और धीरे धीरे जो अंजलि होती है वो कुत्ते के काफ़ी क्लोज चली जाती है। और जब वो कुत्ते के काफ़ी क्लोज चली जाती है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो उम्र है अंजलि की भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी 18 के लगभग हो जाती है। और जब उसकी उम्र 18 के लगभग हो जाती है तो वो कुत्ता भी अब दो साल का हो गया था, ठीक है, तो कुत्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही उम्र हुई अंजलि की, तो अंजलि का जो मन है, जो उसकी फीलिंग है, वो ऐसे ही दूर तक जाने लग गई। वो क्या मोबाइल चलाती थी।
अब एक तरफ से ये जो मोबाइल है ये ख़राब भी है और सही भी है दोस्तों, क्योंकि इन्हें देखकर लोग सही भी काम करते हैं और गलत भी काम करते हैं। ये यानी नुकसानदायक भी है और फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। इनसे दोनों काम होते हैं, अगर इनसे अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर क्या होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनके चक्कर में जो लड़कियां होती है, जो लड़के होते हैं, वो क्या है, बिल्कुल अपनी जो शर्मता है, अपनी जो इज्जत है, उसे खूंटी पर टांग देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब वो अंजलि वीडियो देखती है, ठीक है, आप सभी को पता है आजकल फेसबुक इंस्टा पे ऐसे ऐसी वीडियो आ जाती है जिन वीडियो को फैमिली के साथ तो देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसी जब वो वीडियो देखने लगती है तो उसके सामने कुछ और भी ज़्यादा ऐसी रोमांटिक वीडियो लगा लो, कुछ भी वीडियो लगा लो, ऐसी वीडियो तो उसके सामने आने लगती है ना, तो उसकी जो मन है, जो उसकी फीलिंगता है उसके अंदर की, उसमें कुछ अलग ही चीज़ें आने लगती है। और जब कुछ अलग ही चीज़ें आने लगती है तो भाई सीधी सी बात है, उसे तो अब उसका कोई जीवन साथी चाहिए था। अब दोस्तों वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन करती है, जो रूपाली उसकी फ्रेंड थी, वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये बात है और आप देखो मेरी उम्र भी हो गई है और यार तू ऐसा कर, तू किसी लड़के से मेरी दोस्ती करवा। तो रूपाली कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ किसी से बात है। तो वो ये बात बोलकर जो अंजलि होती है, जो रूपाली होती है, अपनी फ्रेंड अंजलि की एक लड़के से दोस्ती करवा देती है। अब जो लड़के से दोस्ती करवाती है तो धीरे लगभग एक दो महीने उनका रिलेशन चलता है, बात होती हैं, लेकिन पता नहीं उन बीच में क्या हुआ कि जो अंजलि होती है उस लड़के को किसी लड़के के साथ देख लेती है, किसी लड़की के साथ, और वो अंजलि होती है उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि अंजलि उसे चाहने लगी थी लेकिन वो लड़का किसी और लड़की से भी बात करता था। जब इस बारे में अंजलि को पता चला तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उसने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों उसके बाद जो अंजलि है अंदर से टूट चुकी थी और वो अपने कमरे में अपने कुत्ते से बातें कर रही होती है, ऐसे ही उससे खिलमिल होती है क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो क्या है, फिर अपने मोबाइल चलाने लगती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि तुमने ऐसे लड़के से दोस्ती करवाई है जो लड़का पता नहीं कितनी लड़कियों से बात करता है। और वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगती है और उसके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है जिस वीडियो के अंदर एक कुत्ता और एक लड़की आपस में बातें कर रहे थे। अब बातें क्या थी, वो वाली, ठीक है, समझ रहे हो, वो वाली बातें थी। तो अब वो बातें वो जब देखती है तो वो कहती है कि यार जब ये काम कुत्ते के साथ बात हो सकता है तो फिर क्या मतलब है लड़कों से दोस्ती करने में। तो वो ये चीज़ अपने मन में लाती है तो वो ठान लेती है कि यार ऐसा ही होगा और वो करने लगती है अपने कुत्ते के साथ बात। बात का मतलब होता है कि ऐसी बात, ठीक है, समझना दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ आप समझना, ऐसी बातें। अब उनका क्या है, जो ये खेल है ना ये चलता ही रहा, ऐसा ही दिन बीतते रहे और वो आपस में बातें करते रहे। अब धीरे कोई भी बात लगा लो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, आप सभी को पता है। तो इन जो बातों के बारे में जो अंजलि के मम्मी पापा थे उनको इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि जो हमारी बेटी है वो कर क्या रही है। तो उसको उसके बाद जो अंजलि के माँ बाप थे, अंजलि की उसकी माँ थी, उसकी पापा से बोले कि लड़की की शादी करवानी होगी वरना ये तो शायद कुछ गलत कर सकती है। उसके बाद उसके माँ बाप ने उस लड़के की शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद उस लड़के को ससुराल में भेज दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखो लड़कियों की जो शादी है, माँ बाप अपने बच्चों की शादी को ठीक समय पर करवाना ही अच्छी बात होती है। अगर ठीक समय पर शादी नहीं होगी तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कोई कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो सच्ची कहानी है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर रोज़ कुछ ऐसी कहानी मिलती रहेंगी जो आप सभी का एंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे और आप सभी को ये भी बताते रहेंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।